हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं चॉक के बारे में, यानी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअली ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, एंड आप इस पे कैसे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को वन बाय वन देखेंगे एंड समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देन कुछ चार्ट वगैरह पे भी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, आपके सामने मैंने रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आपको मैंने आईडीएम बताया है लास्ट वीडियोस में, बॉस क्या होता है, चौक भी बता रखा है मैंने ऑलरेडी। बट चौक के कुछ एडवांस फंडामेंटल आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है चौक। तो सपोज करिए ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से मार्केट क्या होता है बाई साइड जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मार्केट बाई साइड जाएगा तो बाई बनाएगा, थोड़ा सेल मूव देगा, फिर बाई मूव देगा, फिर सेल मूव देगा, यानी अप एंड डाउन करेक्शन का फेज चलता रहेगा। तो यहाँ से मार्केट यहाँ इस हाई लेवल तक गया। ठीक है, इस हाई लेवल के आने के बाद मार्केट ने क्या किया, हल्का सा एक करेक्शन दिया। कहाँ पे दिया, नीचे की तरफ, यानी कि डाउन साइड में करेक्शन मार्केट ने दिया यहाँ पे। ठीक है, करेक्शन देने के बाद मार्केट में क्या हुआ, सेम सिचुएशन अगेन मार्केट ने क्रिएट की। क्या क्रिएट की, मार्केट वापस सेम एरिया पे यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, करेक्शन देने के लिए मार्केट नीचे चले गया। ठीक है, तो मार्केट ऐसा काफी टाइम करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट जब भी ऐसा करता है तो रिसेंट वाला जो लो है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो रिसेंट लो ये है, तो मार्केट ने इस लो को नहीं लिया। सेम एज इट इज मार्केट ने इस लो को भी नहीं लिया। ठीक है, तो जब तक ये लो मार्केट नहीं ले लेगा आपका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लो को कैप्चर कर लिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये लो ले लिया। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये लो मार्केट ने ले लिया। ठीक है, ये लो लेने के बाद मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा आईडीएम। क्या बन जाएगा, आईडीएम। अब आईडीएम बनने के बाद क्या होता है कि ये जो टॉप पॉइंट है, जैसे मार्केट रिसेंट वाला लो लेता है तो आपका जो टॉप पॉइंट है ये क्या होता है, ये एक दूसरी फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस फॉर्मेट का नाम है, ठीक है, जिसको हायर हाई अपन कहते हैं, ये आपका हायर हाई में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये आपका क्या होगा, हायर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा कि हाई बन चुका है। अब यहां से मार्केट हाई भी जा सकता है और लो भी ले सकता है, दोनों मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। तो मार्केट ने क्या किया, आईडीएम लेने के बाद वापस मार्केट ऊपर गया। अब इस वाले पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के दो तरीके हैं, या तो कैंडल स्वीप करें या कैंडल क्लोज करें। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कंसीडर करेंगे, क्या लिख देता हूं मैं, कैंडल क्लोज, कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होना नेसेसरी है। अगर कैंडल क्लोज हो रही है देन वेल एंड गुड, अपन इस पॉइंट पे एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिर ये हाई यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट ने हाई लिया तो ये जो लो पॉइंट है ये आपका बन जाएगा चौक, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा चौक, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मार्केट यहाँ पे बाई जा रहा है फिर सेल आ रहा है, बाई गया सेल आ, वैसे ही मार्केट यहाँ पे इंटरनल के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे करेगा, यहाँ से मार्केट बाई गया हल्का सा सेल में, मार्केट बाई में गया हल्का सा सेल में, मार्केट बाई पे, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऐसा समझिए। ठीक है, अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो लेटेस्ट वाला यानी कि लो पॉइंट है ये आपका बन जाएगा आईडीएम। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि इंटरनल में बने, एक्सटर्नल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आईडीएम। अब आईडीएम बनने के बाद क्या हुआ, कभी भी मार्केट चौक को लेने आता है, ठीक है, चौक को मार्केट लेने के लिए आएगा, सेम पोजीशन यहाँ पे रहेगी। क्या रहेगी कि अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देता है इस पॉइंट पे, तो ये भी आपका अच्छा है। यहाँ पे कैंडल क्लोज करने का मतलब है कि अब आपका मार्केट सेल डायरेक्शन में जाएगा यहाँ से। इसके लिए कुछ कंफर्मेशन होते हैं, एंट्री पॉइंट्स जिनको कहते हैं, तो उन एंट्री पॉइंट्स के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। या तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग होगा, ठीक है, कुछ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पेंडिंग होगा, या हो सकता है कुछ यहाँ पे पेंडिंग हो, कहीं पे कुछ भी पेंडिंग हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी हो। तो अब मार्केट क्या करेगा, दो चीजें ट्रैप करेगा। क्या करेगा, पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से बाई का मोमेंटम देगा, हल्का सा सेल में आएगा, एंड देन मार्केट यहाँ पे जाएगा एंड इस पॉइंट से यहाँ पे सेल आ जाएगा। पहली सिनेरियो ये हो गई मार्केट। सेकेंड सिनेरियो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट बाई जाएगा, यहाँ से करेक्शन करेगा हल्का सा, अगेन यहाँ पे बाय दिखाएगा एंड यहाँ से सेल आ जाएगा। ये दो सिचुएशन हो गई मार्केट। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में मार्केट क्या करेगा, थर्ड सिचुएशन में मार्केट ये करेगा, यहाँ से सेल जाएगा, करेक्शन करेगा ऊपर तक आके, थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा, इस पॉइंट से ऊपर। आपको लगेगा कि यहाँ से आपने सेल कर दिया और यहाँ पे आपका एसएल है, तो यहाँ पे एसएल हुई, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक दिखा, अब आपको लगा कि बाय जाएगा, तो आपने बाय ले लिया, यहाँ पे एसएल, तो ये हिट हो गया। ये इस तरीके से दोनों साइड आपके हिट करेगा। तो ये तीन से चार सिनेरियोस बनते हैं जो मार्केट क्रिएट करते हैं। इन्हीं सिनेरियोस पे आपका चौक बनता है, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो इसी यहाँ पे आपको एंट्री वगैरह प्लान करनी है, ट्रेड्स वगैरह सारे प्लान करने हैं कि मार्केट एक्चुअल में क्या चाहता है, किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। सेम चीज अगर बात करें सेल में होगी, क्या होगा, वही सेल के अंदर दो से तीन तरह के पॉइंट्स बन जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक के इनके, और वही बाई तरफ के बन जाएंगे। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बट फर्क इतना है कि वहां पे बाई पॉइंट था, यहाँ पे सेल पॉइंट आ जाएगा। इसका ध्यान रखना। अब थोड़ा सा अपन चीजों को लाइव चार्ट पे समझ लेते हैं, ठीक है, एक्चुअली वहां पे मार्केट का क्या सिनेरियो एंड मार्केट कैसे वहां पे रिएक्ट करता है, उससे क्या होगी आपको काफी सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चार्ट है यूरो यूएसडी का, ये करंटली मार्केट रनिंग में है। ठीक है, अब ये जो चार्ट डिसाइड किया हुआ, ये 15 मिनट के ऊपर सारा डिसीजन है एंड 15 मिनट का ये चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, तो ये आपका आईडीएम बन गया। आईडीएम बनने के लिए जरूरी नहीं कैंडल क्लोज हो, कुछ भी हो, नॉर्मल कैंडल भी चलेगी, लिक्विडिटी स्वीप हो, कुछ भी हो चलेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे आया, मार्केट ने ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं की, ये यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी इस कैंडल पे, तो मैंने यहीं पे क्या लिखा, बॉट, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये 4 ओवर का एक बहुत बड़ा टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, 4 आवर का, 2 आवर का, 1 आवर का, सभी टाइम फ्रेम पे मेजरमेंट फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक एंट्री प्लान की कंफर्मेशन देके, ये मेरी एंट्री अभी भी रनिंग है एंड मैं यहाँ तक इसको, कुछ मेरा प्लान है कुछ लाइक दैट, ठीक है, यहाँ तक मेरा प्लान है इसका। तो अभी तक मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ तक चल रहा है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम में भी डाली है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से अप जा रहा है, ये क्या होगा कि ये 1 आवर का एरिया है, अभी तो मैं 15 मिनट पे कर रखा हूँ, बट मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है आईडीएम, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही है जहाँ पे मार्केट आईडीएम बना रहा है। अब आप बोलोगे ये भी तो हो सकता है, नहीं, लास्ट वाली कैंडल ने लिक्विडिटी नहीं ली, इस कैंडल ने लास्ट वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली है, तो ये हो गया अपना आईडीएम। अब आईडीएम को मार्केट लेगा, ठीक है, आईडीएम को मार्केट लेता है तो जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडीएम लेने के बाद मार्केट गिरे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपना टीपी बुक हो जाएगा और आईडीएम मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे, फिर ये अपना रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है।
अब फिर यहाँ पे सपोज करो मार्केट ने कुछ इस तरीके से सिनेरियो बना दिया, यानी कि आईडीएम को लेके, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा अपना हो जाएगा चौक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। इस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पे ही अपन सारा गेम खेलेंगे, ठीक है? उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो चल रहा है उसको देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है? ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बोझ दिया, इस साइड जाएगा तो चौक होगा, ठीक है? चौक होगा क्योंकि अब छोटे टाइम फ्रेम पर बड़े टाइम फ्रेम पर दोनों का एनालाइज में दिखा देता हूँ आपको। ये 1 आर है। अब 1 आर पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो वाला एरिया है, ये एक इसका ऐसा एरिया है जो आईडीएम काम करेगा 1 आर पे, और ये काम कर रहा है 15 मिनट पे आईडीएम। तो अब सपोज करिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे सारा चीज देखते हैं तो बेस्ट चीज समझ में आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ तक मार्केट जाएगा, आपको डरना नहीं है कि यहीं से आप एंट्री क्लोज कर दो। आपको प्रॉपर तरीके से चीजें आनी चाहिए कि यहाँ तक क्यों जाएगा, यहाँ तक क्यों जाएगा, किस केस में यहाँ तक जाएगा और किस केस में बॉस तक जाएगा, ठीक है? और अगर बॉस को क्लोज करता है तो कहाँ तक जाएगा, ये आपका एक पॉइंट ये निकल गया इस एरिया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एंट्री पॉइंट बचा हुआ 1 घंटे का, जहां से मार्केट अप जाएगा एंड यहाँ से डाउन आ सकता है। आपको ये चीज समझनी है। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप चौक पे एंट्री लोगे तो उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना, समझना मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट क्या करना चाहता है एंड मार्केट का पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 5 मिनट के अंदर काफी सारी कैंडल्स बनी। यहाँ पे अगर आपको चीजें मार्किंग करना नहीं आते तो सबसे पहले आप आईडीएम सीखिए, आईडीएम क्या होता है, आईडीएम कैसे काम करता है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने अपना आईडीएम बनाया, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या बनाया, अपना आईडीएम बनाया। आईडीएम बनाने के बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है जैसे ही आईडीएम बना तो मार्केट ने यहाँ पे कर दिया ये बॉक्स, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस होने के बाद क्या हुआ, ये वाला बढ़ गया एरिया चौक, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? अब आप बोलोगे चौक बन गया बहुत अच्छी बात है, आपने तो बताया था अभी कि इंटरनल के अंदर भी आईडीएम होना जरूरी। आईडीएम तो है ही नहीं इस लाइन में, इस लाइन में आईडीएम कहीं पे भी नहीं, आपकी बात सही है। तो अब आईडीएम क्या करेंगे, इस चौक को ही अपन डायरेक्ट आईडीएम मानेंगे, पहले इसको आईडीएम कंसिडर करेंगे, ठीक है? और मेन चौक ये रहेगा आपका, क्योंकि इस तरीके से चलोगे तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे चीजों को समझने के एंड प्रॉफिटेबिलिटी के, ठीक है? एंड यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह कुछ है तो लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी कैप्चर कर ली है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं बची हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक है इसका। तो आप यहाँ से एंट्री मारिए, यहाँ तक प्रॉफिट मार्केट आपको देके जाएगा। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं, एक दो दो मिनट, तीन तीन मिनट, चार चार मिनट पे जाके आप ट्रेडिंग करिए, पैटर्न्स को समझिए, एक्चुअली पैटर्न क्या कहता है, किस पैटर्न पे आप एंट्री एंड एग्जिट वगैरह प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, चौक क्या होता है, चौक को कैसे मार्किंग करेंगे आप, चौक पे कैसे सारी चीजों को समझेंगे। देन जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।